अल्कोहल यूज डिसऑर्डर के बारे में आज मैं बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अल्कोहल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर या अल्कोहलिज्म या अल्कोहल एडिक्शन, ये जो बीमारी है ये मेंटल बीमारी है, ये मानसिक बीमारी है और ये बहुत सीरियस बीमारी है। बीमारी इसलिए कि इसमें ब्रेन को हाईजैक किया जाता है, और हाईजैक कौन करता है? अल्कोहल करता है। एक बार ब्रेन हाईजैक हो गया, एक बार वो कंडीशनिंग हो गया, तो वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी इच्छा होने के बावजूद भी हमारे देश में कम से कम 1 करोड़ नए केसेस जो अल्कोहल का इलाज करते रहते हैं वो हर साल निकलते रहते हैं। 1 करोड़ अल्कोहलिक हर साल हमारे देश में, इतना बड़ा इसका क्वांटम है, इतना बड़ा साइज है। ये बीमारी है और ये बीमारी का इलाज हो सकता है, मगर शायद ये पूरी क्योर हो सकती है। ट्रीटमेंट संभव है, क्योर है कि नहीं है पता नहीं। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं कि जो बोलते हैं कि अभी हमने 10 साल से 15 साल से लिया नहीं है, मगर काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि 5-6 महीने छोड़ दिया, साल भर छोड़ दिया और फिर से हमने लेना शुरुआत किया, चालू कर दिया। शराबी किसको बोलते हैं कि बार बार लेने की उसकी इच्छा होती है, और लीगल इशू मतलब कानूनी कोई अपराध होता है या जॉब के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होते हैं और ये होने के बावजूद भी वो बार बार लेते ही रहता है। उसको मालूम है कि प्रॉब्लम होते भी लेते रहता है। कुछ व्यक्ति सुबह से ही चालू हो जाते हैं और उनको जमता ही नहीं, शुरुआत करना दिन की उनको जमता ही नहीं बिना शराब की, तो उनको शराब सुबह से लेना पड़ता ही है, मतलब उसके सिवा वो काम करते नहीं हैं। कुछ लोगों को अपराधीपन की भावना आती है कि नहीं नहीं मैं पीता हूँ, अभी मैंने छोड़ना चाहिए, अच्छा नहीं वगैरह वगैरह। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की इच्छा होती है मगर वो सिर्फ सुबह होती है छोड़ने की इच्छा या गिल्ट लगना, और बाद में फिर दोपहर से उनकी मतलब पैर उनके पैर उधर ही चलना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हमने कम करना चाहिए और कम करना चाहिए शराब, इसलिए कुछ वो दवाई लेते हैं थोड़ी बहुत और बोलते नहीं दवाई काम की नहीं है, अभी तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा, मैं तो वैसे ही छोड़ दूंगा, दवाई कुछ काम की नहीं है, ऐसा बोलते रहते हैं और अपनी डिज़ायर अपनी इच्छा बोलते रहते कि नहीं मैंने कम करना चाहिए। वो कम करते भी है मगर इंस्पाइट ऑफ दैट वो अपना जो क्वांटम है, पीने का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो उनका बढ़ते ही रहता है। ये लोगों को शराबी जो है उसको पीता नहीं है तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, और विड्रॉल सिम्टम मतलब हाथ कांपना, पैर कांपना, पसीना आना, नींद नहीं आना, किसी को फिट्स आना, ऐसा हो जाता है। जो शराबी है वो उसको बहुत ताकत से उसकी इच्छा होती है शराब पीने की, क्रेविंग हो जाता है, बिल्कुल होना ही है। फिर उसके समय उस समय उसको ना बीवी दिखती है ना बच्चे दिखते हैं, बस एक बार वो इच्छा हो गई कि उसको कोई रोक सकता नहीं, उसके पैर उधर जाएंगे, वो कुछ भी करेगा। मतलब शराबी व्यक्ति को ऐसी जगह छोड़ दिया ना कि बिल्कुल वहाँ कड़क बंदी है शराब के ऊपर, वो बराबर कहीं ना कहीं से भी शराब ढूंढ के पी के ही रहेगा, पक्का पीता है वो। और फिर काम के जगह पे वो काम नहीं कर सकता है, और रिलेशंस में उसके रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, पारिवारिक संबंध ख़राब हो जाते हैं, शारीरिक मतलब बीमारी हो जाती है, लीवर में सूजन, पीलिया, ब्रेन के ऊपर असर, भुलक्कड़पना, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना, काम में प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, या फिर उसके किडनी के ऊपर असर होना, इन जनरल वीकनेस और विटामिन्स की कमी होने के कारण अलग अलग बीमारियाँ। हर शराबी ऐसा चाहता है कि नहीं मेरे को छोड़ना है, मैं छोड़ सकता हूँ, मैं कभी भी छोड़ूंगा, और छोड़ता कभी नहीं है। इसका इलाज करना ज़रूरी है, हॉस्पिटल में दाखिल करके उसको जो डिटॉक्सिफाई करना है, वो डिटॉक्सिफिकेशन हम करते हैं, नींद की गोली देते हैं, भूख लगने की गोली देते हैं, एसिडिटी की गोलियाँ देते हैं, और विटामिन्स की कमी है तो वो दवाइयाँ विटामिन्स वो देते हैं, IV फ्लूइड्स देके जो भी खान पान उसका बंद हुआ रहता है तो वो भी हम उसको इंटेक काफ़ी दे देते हैं, और फिर उसको डायसल्फिराम मतलब एवर्शन थेरेपी देते हैं। एवर्शन थेरेपी ऐसी है डायसल्फिराम की गोलियाँ कि जो लेते हैं तो उसको समझो पीने की इच्छा बहुत ही कम होती है, इच्छा होती नहीं है, और समझो वो पीता है गलती से तो उसको तुरंत उसकी रिएक्शन आती है, उल्टियाँ होंगी, गर्म बॉडी लगेंगी, चक्कर आएंगी, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, और फिर वो डर के मारे वो पीता नहीं है। तो इलाज हम कर सकते हैं। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल हमारे हॉस्पिटल है जहाँ हम पेशेंट्स को बिना रिलेटिव्स रखते हैं, बिना रिश्तेदार हम उनको भर्ती करते हैं, अकेले उनका इलाज करते हैं, या रिश्तेदारों के साथ में रखना है तो रिश्तेदारों के साथ में भी भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। इलाज के लिए जब हम उनको इलाज करते हैं तो काउंसिलिंग करना, मेडिसिन देना, IV फ्लूइड्स देना,
फिर फैमिली थेरेपी, साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन, ऐसे अलग अलग तरह से उनका इलाज किया जाता है और वो शराब मुक्त तो हो जाते हैं। शराब से छुटकारा पाना है हरदम के लिए तो कम से कम 1 साल तक दवाई लेने के लिए बोलते हैं। हॉस्पिटल से जाने के बाद में कंटिन्यूस 1 साल तक उसके ऊपर निगरानी रखना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने बताया कि 10 मिलियन लोग पर ईयर इंडिया में शराबी बनते हैं और यह शराब के लिए इलाज करते हैं। तो ये लोगों के लिए आप ये वीडियो शेयर करते हैं, उनको जानकारी होंगी, वो इलाज करेंगे, क्योंकि शराबी है वो एक मानसिक बीमारी है और इसका इलाज संभव है, पॉसिबल है, वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।